वाईकॉम के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुए हाल ही में बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट अविनाश, और अविनाश ने क्या कुछ कहा है, कौन जीतेगा उनके हिसाब से, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बिग बॉस से कर यहाँ पे सामने सर सेंटर में स्पेक्स का आयोजन तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं सामने सर आपके लिए सर सेंटर सर क्या कहना चाहोगे आफ्टर बिग बॉस घर के बाहर आने के बाद? यार सोच चेंज हो गई है, इंसान चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज बदल गया है। वहाँ जाने के वो कोई और अविनाश गया था और निकला कोई और अविनाश है। सो मुझे तो प्राउड फील होता ही था जिस तरीके से मैं वहाँ रह रहा था, क्योंकि मैं कहीं भी वीक नहीं पड़ा। पर मेंटल पीस की बात हो या फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो या उस गेम में जो समझना था, टास्क में दिमाग लगाना था, रिश्तों में दिल लगाना था, और जो कुछ भी आपको अंदर दिखा, जो भी आपको मेरी पर्सनैलिटी दिखी, वो शत प्रतिशत 100% रियल थी। और उसको लेके मेरे कोई भी आफ्टर थॉट्स नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी था मैंने वही किया जो मुझे सही लग रहा था। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं बिग बॉस के घर में हूँ या फिर मैं रियलिटी शो में हूँ, और मैंने कभी ऐसा शो किया नहीं है तो उसके लिए मैं कोई और पर्सनैलिटी जताऊँ लोगों को। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ, और मेरा वो डायलॉग मैं ऐसा ही हूँ, आई स्टैंड बाय इट। और मेरा विजन चेंज हो गया है टूवर्ड्स लाइफ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये लाइफ ऐसी चीज़ है जिसे जितना भी समझा जाए, ये यूनिवर्स ऐसी चीज़ है जिसे जितना भी समझा जाए कम ही होगा। और वो मेरा ड्रीम है कि मैं अपना जितना भी विजन ब्रॉड कर पाऊँ इस जिंदगी में, जिंदगी को समझने के लिए और मेरे लोगों को समझने के लिए, वो मैं कर पाऊँ। तो मेरे विजन में कहीं ना कहीं चार कदम और बढ़ गए बिग बॉस के घर की वजह से। बिग बॉस में किसको मिस करने वाले हो? मिस क्यों करूँगा, अभी आ जाएंगे सब बाहर। किसको मिस कर रहे हो? यार पूजा जी का वेट कर रहा हूँ मैं, बाहर में उनको बोल के आया हूँ कि आप खेलो अपने हिसाब से, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कुछ और बदलने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो बाहर आएंगे मैं उनसे मिलूंगा ही मिलूंगा। पूजा जी अंदर है, बाकी हम सब तो बाहर हैं, मैं, जैड और फलक, तो सिर्फ पूजा जी को मिस कर रहा हूँ। सर आपके हिसाब से कौन विनर हो सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली पूजा जी, क्योंकि वो उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर वो वल्नरेबल हो जाती है 2 सेकंड में तो वो दिख जाता है लोगों को, अगर वो गुस्सा हो जाती है तो वो दिख जाता है लोगों को। वो अपना जबरदस्ती दिमाग लगा के कुछ और नहीं दिखाना चाहती कि नहीं यहाँ मैं स्ट्रांग हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे बिहेव करूंगी, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं तो मैं, मुझे वैसा नहीं दिखना चाहिए। इवन वीकेंड के बाहर पे भी वो सबसे पहले रेडी जाती थी, उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि वीकेंड का बाहर है तो मैं ज्यादा वैसी दिखूँ या वैसी दिखूँ। चलो दिखने की बात तो ठीक है, पूजा भट्ट पूजा भट्ट है सबके लिए, बट रही बात वो जैसी निजी जिंदगी में है, जैसी वो रियली है, वो मुझे समझ में आया, और वो बहुत ही प्योर सोल है, तो उसकी वजह से ही मेरा उनके साथ कनेक्शन हुआ। उनकी वजह से नहीं, जितने भी मेरे और कनेक्शन हुए वो इसी वजह से हुए, क्योंकि वो सारे प्योर सोल। थैंक यू सर।